हाय मेरे प्यारे दोस्त, भाई बहन, अंकल आंटी, आप जाके इसे भी देख रहे हो। सो आज का वीडियो काफी स्पेशल होने जा रहा है। कुछ दिनों से मैं काफी बिजी हूँ, मैं फिलहाल घर पर ही हूँ एंड मैं बाहर नहीं जा रहा। सो मैंने सोचा कि चलो कुछ घर का ही कुछ कवर करते हैं। एंड सिंस फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव बीन क्वाइट फोकस्ड इन माय हेल्थ, व्हाट आई एम ईटिंग एंड आई एम ट्राइंग टू ईट क्लीन। सो इसलिए मैं आज काफी स्पेशल एक चीज बनाने जा रहा हूँ। बेसिकली आई लव टू एक्सपेरिमेंट विथ माई फूड। सो आज एक स्पेशल सलाद बनाने जा रहे हैं, तो आखिर तक आप देखिएगा। और आज मुझे एक स्पेशल इन्ग्रेडिएंट मिला है जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। सो उसे भी हम लोग सलाद में मिलाते हैं और काफी स्पेशल सलाद हम लोग मिलकर बनाते हैं। कर दी तो मैंने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी। तो आप देख सकते हैं स्वीट पोटैटो बॉयल हो रहा है और इसी के साथ मैंने अंडे बॉयल कर लिए। सो आपको पता चल जाएगा कि मैं इससे क्या करने वाला हूँ। देयर इज माई स्पेशल इन्ग्रेडियंट्स। सो सबसे पहले तो मैं आपको इसे दिखाना चाहता हूँ। सो इफ यू नो व्हाट इज दिस, प्लीज कमेंट। मेरे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स और इसका नाम है ककड़ी। और मैंने एक्चुअली बहुत नाम सुने इसके। एक्चुअली पहले मैं जब टीवी देखता था तो मैंने नाम सुने इसके ककड़ी, लेकिन पहली बार मैंने देखा तो मैंने सोचा कि चलिए इसे ट्राई करते हैं और सलाद में मिलाते हैं और मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसा लगता है। तो चलिए हम तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बीटरूट, एक छोटा सा खीरा और ये ककड़ी मुझे पुरानी चाहिए होगा, बस इतना काफ़ी है। और एक गाजर। सो इसे हम आज बनाने जा रहे हैं हम लोगों का स्पेशल सलाद। और एक चीज़ सबसे पहले इसे हम धो लेते हैं। तो मैंने कर लिया है, इसे ठीक तरह से साफ धो लिया है, काट लिया है। सो पता नहीं था कि ककड़ी का छिलका को छीलना है कि नहीं, लेकिन मैंने छील लिया है क्योंकि काफ़ी गंदा था, मुझे ऐसा लग रहा था। और मैंने यहाँ सोचा नहीं था कि मैं स्पाइसी खाऊंगा, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों अंदर से खाने को मन कर रहा है। सो इसे सिर्फ 3 मिर्च मिला लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्पाइसी और उसका टेस्ट बढ़ जाए। स्वाद अनुसार आपको जितना चाहिए आप डाल लीजिएगा। सो मैं थोड़ा नमक कम खाना पसंद करता हूँ। इसी के साथ हम इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और मुझे काफ़ी भूख लगी है। सो मैं इसे पहले खा लेता हूँ मेरा न्यूट्रिशियस एंड डिलीशियस सलाद को। सो इसी के साथ आप सभी को दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं। A few moments later.